आईपीएल का 17वां सीजन यानी ट्रेंड सेटर आईपीएल, इस सीजन वो चीज हम देख रहे हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। आईपीएल की जब शुरुआत होनी थी तब सबको उम्मीद तो थी कि ये सीजन काफी धमाकेदार होगा, लेकिन इतना धमाकेदार होगा और इस फेज में ही यानी शुरुआती फेज में ही इतना धमाकेदार होगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 18 मुकाबले खेले जा चुके हैं, अब 19वें मुकाबले पर हर किसी की नजरें आ गई है। 19वां मुकाबला यानी बैटल ऑफ द रॉयल्स, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान के होम ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाना है, आईपीएल के 17वें सीजन का मैच नंबर 19। और इस मुकाबले से जुड़ी हर जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, मसलन पिच रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट हो, प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो, चाहे हेड टू हेड आंकड़े हो, दोनों ही टीमें जब आपने सामने आई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, खास तौर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब ये दोनों टीमें भिड़ी है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, तो तमाम जानकारी ए टू जी जानकारी आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आईपीएल के 17वें सीजन यानी 2024 वाले सीजन का मैच नंबर 19 खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम के पिच रिपोर्ट पर नजर डाले उससे पहले दोनों ही टीमों का अब तक का जो प्रदर्शन रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमों में अंतर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स एक तरफ जहां हार का मुंह नहीं देखी है अब तक इस सीजन, 3 मुकाबले खेल चुके हैं और तीनों मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली है। 2 मुकाबले अपने घर में ऑलरेडी खेल चुके हैं और 1 मुकाबला राजस्थान ने खेला है वानखेड़े में, और इन तीनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर काबिज है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस हो, चाहे विराट कोहली हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, रजत पाटीदार हो, तमाम बड़े बड़े नाम है टीम में। प्लेइंग 11 में सिराज शामिल होते हैं, तमाम बड़े नाम होने के बावजूद इस सीजन भी अब तक जैसा प्रदर्शन आरसीबी ने किया है वो निराशाजनक रहा है। 4 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है, वहीं आरसीबी की टीम ने बैक टू बैक 2 मुकाबले गवाए। इस मुकाबले में अगर आरसीबी की टीम हार जाती है तो फिर हार की हैट्रिक लग जाएगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को जीतकर जीत का चौका लगाना चाहेगी। तो पॉइंट्स टेबल पर अंतर साफ है, आरसीबी जहां 8वें नंबर पर है तो वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। अब बात पिच रिपोर्ट की करते हैं। राजस्थान के राजा सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए जो पिच इस्तेमाल होगी, ये जो पिच है यहाँ पर, यह इकलौती ऐसी पिच आप कह सकते हो कि अब तक हमने जितने भी पिच देखे हैं आईपीएल में, अब तक जितने भी मुकाबले जिन भी वेन्यूज में हुए हैं वहां पे या तो बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है या, और ज्यादातर पिचों पर जो है बल्लेबाजों को ही मदद मिलती है। यह इकलौती ऐसी पिच है जहां पर बल्लेबाजों को मदद तो है लेकिन बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों को मदद है। अगर आप राजा सवाई मानसिंह स्टेडियम की जो पिच है उसको बॉलर फ्रेंडली पिच कहें, बॉलर्स के लिए एक शानदार पिच कहें, तो वो गलत नहीं होगा यहां पर। और मजे की बात यह है कि यहां पर ना सिर्फ तेज गेंदबाज बल्कि स्पिनर्स, दोनों ही डिपार्टमेंट के गेंदबाज जो है वो मदद उठा सकते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे कि इसी पिच पर यह मुकाबला खेला जाना है और इस पिच पर गेंदबाजों को बहुत मदद मिलेगी। हमने देखा है ट्रेंट बोल्ट इस पिच पर कारगर होते हैं, हमने देखा है युजवेंद्र चहल इस पिच पर कारगर होते हैं। अब ट्रेंट बोल्ट तेज गेंदबाज है, यूजी जो है वो स्पिन गेंदबाज है, और दोनों ही गेंदबाज बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं इस मैदान पर। शुरुआती ओवर्स में हमने देखा है ट्रेंट बोल्ट अच्छे विकेट्स निकालते हैं, कई बार 1-2 विकेट वो शुरुआती ओवर्स में ही निकाल लेते हैं। वहीं बाद में हमने देखा है कि जब 8-10 ओवर के बाद जब यूजी चहल अपना स्पेल लेकर आते हैं तब इनको भी बहुत मदद मिलती है। अश्विन को हमने देखा है यहाँ पर मदद प्राप्त करते हुए इस पिच पर। तो यहाँ पर इस पिच पर जो है तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, साथ ही साथ स्पिनर्स को भी अच्छी मदद इस पिच पर मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाज मदद लेंगे, स्पिनर्स मदद लेंगे तो बल्लेबाज जो है वो बोलेंगे कि भाई आप मदद ले लो और हम चले घर पे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बल्लेबाज भी अच्छी मदद जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मदद अगर आप कंपैरिजन करेंगे
तो गेंदबाज ज्यादा मदद उठाएंगे। यहां पर 200 से ज्यादा के स्कोर भी बने, 217 के आसपास का कुछ हाईएस्ट स्कोर है इस मैदान पर। और अगर चेज की बात करें तो 196 रन भी चेज हुआ है इस मैदान पर। तो ये पिच जो है ये आप कह सकते हो एक तरीके से न्यूट्रल है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव जो है वो गेंदबाजों की तरफ है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पिच रिपोर्ट बता दे तो जयपुर के राजा सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच गेंदबाजों को ज्यादा मदद देती है, तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों को ही इस मैदान पर मदद मिलती है। हालांकि कभी कभी जयपुर में बड़े स्कोर औसत स्कोर 159 है और बड़े स्कोर भी बन जाते हैं। यहाँ पर दूसरी पारी का औसत स्कोर 145 रन है। जो टीम यहाँ पर चेस करती है उन्हें ज्यादा सफलता मिलती है। 54 आईपीएल मैचों में अब तक इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, जिसमें से चेस करने वाली टीम ने 34 मुकाबलों में बाजी मारी है। तो जयपुर के स्टेडियम में बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही बराबर मदद मिलती है, लेकिन गेंदबाज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मदद प्राप्त करते हैं जयपुर में। अब वेदर पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो इस मुकाबले के लिए जो जानकारी सामने आ रही है वो डराने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बारिश की थोड़ी सी भी संभावना नहीं है, बारिश नहीं होगी। हाँ, गर्मी का मौसम है और ऊपर से जयपुर में ये मुकाबला है। जयपुर में गर्मियां वैसे भी ज्यादा पड़ती है अन्य भारत की तुलना में। अगर आप देखेंगे तो जयपुर राजस्थान में और राजस्थान का जो बेल्ट है वहां पर गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, तो निश्चित तौर पर गर्मी थोड़ी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी होगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। अगर हम जयपुर के लिए जो मौसम का पूर्वानुमान बताया गया है उसको देखें तो मौसम विभाग के मुताबिक मैच के दिन जयपुर में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी 31% के आसपास रहने की संभावना है। वहीं इस मैच के दौरान थोड़ी ठंड महसूस हो सकती है। मौसम विभाग की जानकारी को देखकर ऐसा लगता है कि फैंस को पूरे 40 ओवर मैच देखने को मिलेगा। अब ठंड इसीलिए मैच के दौरान रहेगी क्योंकि शाम 7:30 बजे के आसपास 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा, और जैसे जैसे दिन ढलता है जयपुर वाला जो बेल्ट है, राजस्थान वाला जो बेल्ट है, वहां पर मौसम जो है शाम को जैसे जैसे ढलता जाएगा वैसे वैसे ठंडा होते जाएगा। पिच रिपोर्ट और मौसम की जानकारी के बाद अब नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 पर। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है, और ये जो प्लेइंग 11 इस मुकाबले में भी आपको देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा खतरनाक, आरसीबी को हराने का पूरा दमखम रखने वाली प्लेइंग 11 नजर आएगी। और पिच पर जो है आरसीबी के हर एक खिलाड़ी को तकलीफ होगी, क्योंकि आरसीबी की जो टीम है वो हार के साथ आ रही है, वही राजस्थान की टीम जीत का मोमेंटम लेकर कैरी कर आ रही है और 3 मुकाबले बैक टू बैक जीत चुकी है। जॉर्ज बटलर, यशस्वी जायसवाल अभी तक अपने उस रूप में नजर नहीं आए। प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो ओपनिंग थोड़ा सा एक परेशानी का सबब बन सकता है राजस्थान के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो संजू सैमसन और रियान पराग, ये वो दो बल्लेबाज हैं जो मिडल ऑर्डर में आएंगे और बहुत जबरदस्त फॉर्म में हैं, ना सिर्फ अच्छी फॉर्म में बल्कि बहुत तेज गति से रन बना भी रहे हैं। तो जॉर्ज बटलर और यशस्वी जायसवाल भले ही टीम को बहुत अच्छी शुरुआत ना दे पा रहे हो इस सीजन, लेकिन ये मिडल ऑर्डर की जो कड़ी है इनकी संजू सैमसन और रियान पराग के रूप में बहुत ज्यादा शानदार है। और रियान पराग की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है और टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में ये शुमार है। सिमरन हेटमायर अभी तक उस रूप में नहीं आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इनसे फिनिशर का रोल अदा करने की जिम्मेदारी जो है राजस्थान की टीम इन्हें दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कितने ओवर बचे हुए हैं और किस सिचुएशन में इनको खेलने के लिए भेजा जा सकता है। ध्रुव जुरेल, आप कह सकते हो कि औसत दर्जे का प्रदर्शन उनका इस सीजन अब तक रहा है, हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म में है। इस आईपीएल से पहले भारतीय टीम के लिए टेस्ट डेब्यू भी किया और उसमें भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, और अभी तक भी जो 3 मुकाबले हुए हैं उसमें भी इन्होंने कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन जो छोटी पारियां इन्होंने खेली है उसमें इन्होंने बताया है कि ये और बड़ी पारियां खेल सकते हैं, लेकिन इन्हें बड़ी पारी खेलनी होगी। रविचंद्रन अश्विन बैटिंग डिपार्टमेंट भी संभालते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में यूजी के साथ मिलकर स्पिन डिपार्टमेंट संभालते हैं। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, युजवेंद्र चहल, ये 3 प्रॉपर गेंदबाज हैं और एक आपको संदीप शर्मा के रूप में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिखेंगे, तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट संभालेंगे। यानी अगर टीम के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की तरफ आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा ये 2 बहुत बड़े नाम हैं, और आवेश खान इस वक्त अच्छी फॉर्म में है और मोमेंटम के साथ है। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स की आपको बता दें एक बार तो जॉर्ज बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट,
नांद्रे बर्गर आवेश खान, युजवेंद्र चहल, तो काफी सॉर्टेड राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 है। अब नजर डालते हैं हम लोग आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पॉसिबल प्लेइंग 11 की शुरुआत विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस से होती है। ओपनिंग जोड़ी आरसीबी की बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। हालांकि इस सीजन विराट कोहली का बल्ला तो चल रहा है, फाफ डुप्लेसिस का बल्ला नहीं चल रहा है। विराट कोहली गजब की फॉर्म में, विराट कोहली इस सीजन अब तक दो पचास लगा चुके हैं और टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में मौजूद हैं। शतक से एक मुकाबले में बहुत करीब तक चले गए थे लेकिन शतक वो नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में है ऐसा लग रहा है कि फिर इस सीजन एक से ज्यादा शतक वो लगाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में भी उस फॉर्म को वो कैरी करना चाहेंगे। कैमरन ग्रीन का बल्ला नहीं चला है, तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी वो संभालते हैं लेकिन मिडल ऑर्डर में जितना उनसे उम्मीद है उतनी वो वैसा प्रदर्शन वो नहीं कर पा रहे। रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अनुज रावत ने एक मुकाबले में, यानी जो पहला मुकाबला आरसीबी ने खेला था, उस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन उसके बाद वैसा प्रदर्शन वो नहीं कर पा रहे। ग्लेन मैक्सवेल भी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल के साथ एक अच्छी चीज ये है कि वो स्पिन डिपार्टमेंट में, यानी गेंदबाजी में भी एक आध विकेट निकाल कर देते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल अगर बल्ले से नहीं कुछ कर पाते हैं तो वो गेंद से उसकी भरपाई करते हैं। हालांकि टीम को ग्लेन मैक्सवेल दी बॉलर से ज्यादा ग्लेन मैक्सवेल दी बैट्समैन की ज्यादा जरूरत है क्योंकि टीम बैटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी इस समय स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बैटिंग डिपार्टमेंट इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट से ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद दिनेश कार्तिक हम सब जानते हैं कि गजब की फॉर्म में और शायद इस समय भी आईपीएल 2024 के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स में से एक है। तो दिनेश कार्तिक फिनिशर की भूमिका अदा करेंगे। उसके बाद आएंगे प्रॉपर गेंदबाज रीस टॉपली, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। अल्जारी जोसेफ को ड्रॉप करके रीस टॉपली को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था पिछले मुकाबले में और इस मुकाबले में भी रीस टॉपली खेलते हुए हमें नजर आने वाले। मयंक डागर स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे, अच्छे गेंदबाज है। हमने देखा है इन्हें करके कि कुछ एक गेंदों पर ये बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हुए भी नजर आए और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी क्योंकि इन्होंने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट में इंप्रेस किया। उसके बाद आईपीएल में भी इनसे आरसीबी की टीम उसी प्रदर्शन को दोहराने को देख रही होगी और चाह रही होगी कि मयंक डागर जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उस तरीके की वो गेंदबाजी करें। मोहम्मद सिराज के बारे में तो क्या ही कहें, मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाज है लेकिन इस समय वैसा प्रदर्शन वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और यश दयाल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और गुजरात टाइटन्स ने इन्हें बाहर कर दिया था और आरसीबी ने इन्हें शामिल किया अपनी टीम में लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन इनका गुजरात में रहा था उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन यश दयाल का और कंसिस्टेंट गेंदबाज है। लगातार हर मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार हर मुकाबले में विकेट शटकार है। तो आरसीबी के संभावित प्लेइंग 11 में आपको विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, रीस टॉपली, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल दिखेंगे। अब बात दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की करते हैं। जब जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने आई तब किसका पलड़ा भारी रहा है। आपको बता दें कि आरसीबी और आरआर के बीच में अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 30 मुकाबलों के आधार पर आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। आरसीबी ने इन 30 मुकाबलों में 15 मुकाबले जीते हैं तो वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 12 मुकाबलों में जीत हासिल की और जो 3 मुकाबला जो रहा वो बेनतीजा यानी टाई रही। वहीं अगर हम सवाई मानसिंह स्टेडियम में इन दोनों ही टीमों के आंकड़ों की ओर नजर डालें तो कुल 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं इन दोनों ही टीमों के बीच में जयपुर में और इन 8 मुकाबलों में 4 मुकाबले जो है राजस्थान ने जीते तो वही 4 मुकाबले जीते हैं बेंगलोर की टीम ने। वहीं अगर हम पिछले सीजन इन दोनों ही टीमों के मुकाबलों की बात करें तो पिछले सीजन 2 बार ये टीमें आमने सामने आई है और दोनों बार आरसीबी की टीम ने बाजी मारी है। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है लेकिन यह याद रहे कि यह मुकाबला जयपुर में खेला जाना है। यह याद रहे कि राजस्थान की टीम इस समय गजब की फॉर्म में और 3 बैक टू बैक मुकाबले जीत कर आ रही है। तो प्रेडिक्शन ये कह रही है, आंकड़े चाहे कागजों पर कुछ भी कहे लेकिन जो अनुमान लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो यही का उस इशारा तो यही है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतेगी लेकिन जीत ज्यादा जरूरी आरसीबी को है क्योंकि आरसीबी अगर ये मुकाबला हार जाती है
तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बैकफुट में आ जाएगी और प्लेइंग जो प्लेऑफ की जो रेस है उससे भी बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताइएगा कि पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड आंकड़े, पॉसिबल प्लेइंग 11, तमाम जानकारियों को जानने के बाद आपको क्या लगता है इस मुकाबले को यानी आईपीएल 2024 का मैच नंबर 19 किसके नाम रहेगा? राजस्थान रॉयल्स बाजी मारेगी या आरसीबी जीतकर जो हार का सिलसिला है उसे खत्म करेगी?